नंदौली पुलिस ने सुनील केदार सहित उनके कई समर्थकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। नागपुर जिला सहकारी बैंक घोटाले में दोषी करार दिए गए सुनील केदार को बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर खंडपीठ ने मंगलवार को जमानत दी थी। इसके बाद बुधवार को केदार की जेल से रिहाई होने के बाद पता चलते ही उनके कार्यकर्ताओं की नागपुर सेंट्रल जेल के बाहर भीड़ जमा होना शुरू हो गई। बुधवार दोपहर को सुनील केदार जेल से बाहर निकले। इस दौरान केदार समर्थकों ने अपने नेता का जोरदार स्वागत किया। सेंट्रल जेल से लेकर संविधान चौक तक रैली निकाली गई। इस रैली को लेकर अब सुनील केदार की दिक्कतें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि धंतोली पुलिस ने सुनील केदार सहित उनके कई समर्थकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। नागपुर सेंट्रल जेल में कई खूंखार अपराधी, नक्सलवादी और आतंकवादी संगठनों के कैदी सजा काट रहे हैं और सुरक्षा की दृष्टि से जेल परिसर प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। कारागृह परिसर में ज्यादा लोगों के एकत्रित होने, जुलूस निकालने, नारेबाजी करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है और ऐसे में इन सभी नियमों की अनदेखी की गई है। श्री सुनील केदार यांना जामीन मिळाल्यानंतर त्यांचे कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी रॅली काढणार अशी गोपनीय माहिती धंतोली पोलीस स्टेशन यांना प्राप्त झालेली होती। DCP परिमंडल 2 श्रीयुत राहुल मध्ये आणि त्यांची टीम यांचा बंदोबस्त नेमण्यात आलेला होता। त्यांनी CRPC 149 प्रमाणे त्यांचे कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी यांना नोटिसेस दिलेल्या होत्या आणि 37(1)3 जे प्रतिबंधात्मक निर्देश आहे त्याप्रमाणे कुठल्याही प्रकारे रॅली काढू नये अशा स्पष्ट सूचना त्यांना देण्यात आलेल्या होत्या। दुपारी 2 सुमारास श्री सुनील केदार हे जेलच्या बाहेर आल्यानंतर संविधान चौक या ठिकाणी जाणार होते। तिथे जात असताना त्यांचे कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी मोठ्या संख्येने रहाटे कॉलनी आणि परिसर या ठिकाणी जमा झाले। त्यांनी त्यांच्यासोबत संविधान चौकापर्यंत गेले आणि याला एक रॅलीचं स्वरूप प्राप्त झालेलं होतं। पोलिसांच्या निर्देशाचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी श्रीयुत सुनील केदार, त्यांचे कार्यकर्ते आणि उपस्थित जनसमुदाय यांच्या विरोधात धंतोली पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। IPC 341, 188, त्यानंतर 153A याप्रमाणे आणि मुंबई पोलीस कायदा याप्रमाणे एक गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। तपास पोलीस स्टेशन धंतोली यांच्यामार्फत सुरू आहे। आतापर्यंत 3 ताब्यात घेण्यात आलेले आहे आणि त्या रॅलीत सहभागी जे कार्यकर्ते होते ते निष्पन्न करून आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करीत आहोत। कॅमेरा पर्सन अजित कुवर के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।